भिवंडी शहर के दूसरा निजामपुरा इलाके जैसे घास बाजार, चांद तारा मस्जिद, इन इलाकों के लोगों को पिछले कई हफ्तों से पानी की समस्या और जो कि पानी आ रहा था उसमें भी प्रेशर नहीं था। इसको देखते हुए इन इलाके के लोगों ने इसकी शिकायत वहां के पूर्व नगर सेवक बाबा बाउद्दीन से की थी। पूर्व नगर सेवक बाबा बाउद्दीन ने इसकी शिकायत भिवंडी महानगर पालिका के पानी पुरवठा विभाग से की, क्योंकि पाइपलाइन भिवंडी शहर के एसटी स्टैंड के पास से निजामपुरा इलाके में आई हुई थी। पानी पुरवठा विभाग ने जब जांच की तो पता चला कि एसटी स्टैंड के सामने ठीक रोड के बीचों बीच नई बन रही सीएनजी पाइप के सामने पाइपलाइन में लीकेज था और वहां पानी बह रहा था, जहां से लोगों को पैदल आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसी लीकेज के चलते निजामपुर इलाके में पानी के प्रेशर में कमी मिल रही थी। रोड के बीचों बीच लीकेज और उसकी रिपेयरिंग में काफी वक्त लगता, लेकिन पूर्व नगर सेवक बाबा बाउद्दीन ने इसका संज्ञान लिया और 5 घंटे के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट रोड ब्लॉक करने का पुलिस प्रशासन और आरटीओ से परमिशन निकला और रात 12 बजे के करीब एसटी स्टैंड से बागे फिरदौस मस्जिद तक रोड को 5 घंटे के लिए बंद कर दिया गया और उसके बाद जेसीबी द्वारा पाइपलाइन में लीकेज को ठीक करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। गाड़ियों का आवागमन पूरी तरह से बंद है। बड़ी गाड़ियों को शहर के बाहर ही ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने डाइवर्ट कर रहा था। रात 12 बजे से शुरू हुआ पाइपलाइन में लीकेज रिपेयरिंग का काम सुबह 5 बजे तक चलता रहा। तब तक पूर्व नगर सेवक और पानी पुरवठा डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर मौजूद रहे। हमसे बात करते हुए पूर्व नगर सेवक बाबा बाउद्दीन ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। पिछले 10 दिन से अचानक फोन आया लाइनमैन का कि रोड के नीचे से पानी आ रहा है एसटी स्टैंड के सामने। तो हम लोग ने जब आगे चेक किए तो पूरा एरिया हम लोग को लगा कि यहाँ से कहीं ना कहीं से लीकेज है। अब लीकेज की जब मालूम आने लगे तो लीकेज कहीं से हम लोग को दिख नहीं रहा था, लेकिन जब भी पानी स्टार्ट हो रहा था निजामपुर जोन का, जो एसटी टाकी का जोन है, दोपहर 3 बजे का, तो पूरे एरिया में से पूरे रोड में से पानी आता था। अब सबसे बड़ा मसला ये था कि नेशनल हाईवे को ब्लॉक कैसे किया जाए। तो आज हमको कमिश्नर साहब की बहुत मेहनत और हमारे पटनावर साहब की बहुत मेहनत और वाटर सप्लाई की बहुत मेहनत और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की, इन्होंने हमको आज 5 घंटे का हाईवे ब्लॉक करके टाइम दिया है। 5 बजे रात में 12 से लेकर सुबह 5 तक, तो वही जो 350 की डाई की जो लाइन है वो लाइन का लीकेज चेक करने के लिए हम लोग आज यहाँ पे खड्डा जो काम आप देख रहे हैं लिया गया है। नहीं, आप देख सकते हैं कि पूरा के पूरा वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट यहाँ जगा है। आज आप देखोगे तो हर डिपार्टमेंट यहाँ पे, तो वो हिसाब से तो हम चाहते हैं कि 5 घंटे का ही हमको दिया गया टाइम। उसके बाद कहा गया है कि 5 के बाद हम आगे ट्रैफिक को स्टार्ट करेंगे, तो हमारे को तो उम्मीद है कि जैसा लीकेज मिलेगा इंशाल्लाह 5 घंटे में हम एकदम जंगी पैमाने पे इसको कहीं ना कहीं हम पूरा तो आज करना ही, हम किसी भी हालत में करना है, क्योंकि इस वजह से पानी का प्रेशर भी टूट रहा है और पानी नहीं आ पा रहा है एरिया में। तो वो भी बहुत बड़ी मिस्टेक, मतलब हमको तकलीफ आ रही है रमजान में हमारे माँ बहनों को कि अगर लाइन आपकी मेन लाइन ब्रेक हुई है तो कहीं ना कहीं प्रेशर टूट जाता है। तो आज तो किसी भी हालत में इंशाल्लाह हमको इसको 5 घंटे में खत्म करना है। ये जो लाइन है ये कौन कौन से एरिया में डिवाइड की है? ये जो लाइन है, लाइन यहाँ से एसटी से सीधी जाती है माडा, उसके बाद में बागे फिरदौस मस्जिद से जाती है काली स्कूल, और फिर यहाँ से जाती है बारादरी से जाती है फुदिन, ये इतने पूरे पट्टे में लाइन जाती है। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत में अभी सबसे ज्यादा दिक्कत पानी की जो आ रही है वो एंड में आ रही है। एंड में मतलब जो काली स्कूल का बेल्ट है, घास बाजार काली स्कूल का जो बेल्ट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इसका प्रेशर का मार गया, क्योंकि वो लास्ट है, डेड एंड है वो, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट आ रहा है। इफेक्ट तो ओवरऑल आ रहा है, लेकिन अब लीकेज कितना बड़ा है अब खोलने के बाद हमको पता चलेगा। वादी तालीम की ओर एक कदम और, नीट और जेई के लिए विदर्भ की मशहूर चौधरी क्लास अब भिवंडी में। इस साल 10वीं का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए 31 मार्च को स्कॉलरशिप एग्जाम रखी गई है, जिसमें से जो पहले 300 स्टूडेंट रहेंगे उनको 1,00,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। पहला रैंक पाने वाले स्टूडेंट्स को लैपटॉप, सेकंड और थर्ड रैंक लाने वाले स्टूडेंट को एजुकेशनल टैब मिलेगा। इसके अलावा पहले 50 स्टूडेंट को 1 महीने का बेसिक फाउंडेशन कोर्स भी फ्री मिलेगा। इस क्लास का यश, जो कि पिछले स्टूडेंट ने ऑल इंडिया 720 में से 705 मार्क्स लाकर देश में 14वां रैंक लाया था। हमारा पता है अपोजिट टेलीफोन एक्सचेंज, सरस्वत बैंक, भिवंडी। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।